नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर देश में तांडव शुरू कर दिया है। दरअसल तो दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहा है कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को वैक्सीन सेंटर से लौटना पड़ रहा है। और राजेश टोपे ने यह भी कहा कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की वैक्सीन का स्टॉक मैच 3 दिन का ही बचा हुआ है। और इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बुरी तरह भड़क गए हैं और इन्होंने कहा कि लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। और महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है और इसके बावजूद लोगों में दहशत फैलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर बात अगर बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर करें तो बता दें आपको कि दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,15,736 नए केस सामने आ चुके हैं और इसी दौरान 630 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि 59,856 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी और इसी साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे और एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी। और देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,14,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं और जिनमें से 12,00,000 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। और महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों ने 3 दिनों में दूसरी बार फिर से 0.5 लाख की सीमा पार कर ली है और कुल मामले 31 लाख को पार कर गए हैं। ये हालत तब है जब यह राज्य 80 लाख टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसी के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं लेकिन सरकारी निर्देशों को का ये ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें जो सबसे बड़े शहर में कोरोना इस कदर कहर बरपा रहा है कि जो लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं और पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं लोग अब कोरोना की चपेट में वापस आ रहे हैं। प्रशासन के लिए यह सिर दर्द बन गया है और इसलिए अब सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार खतरनाक गति से बढ़ने लगी है। बुधवार को 5 महीने बाद 2,366 नए पॉजिटिव केस मिले हैं तो वहीं 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चिंता की बात तो ये है कि कई महीने बाद रिकवरी दर घटकर 93.94 पहुंच गई है। संक्रमण दर 4.74% और मृत्यु दर 1.6% पहुंच गई है। निश्चित तौर से कोरोना बढ़ रहा है और हम पूरी चौकसाई है हमारी इसके ऊपर। और स्कूलों में अगर कहीं भी हमें थोड़े से भी सिम्टम कहीं मिलते हैं तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से पहले आप लोगों ने जानकारी दी थी कि बच्चों का जो था टेम्परेचर ज़्यादा था तो हमने तुरंत उन बच्चों को वापस भी किया, हमने स्कूल में नहीं आने दिया उनको और उनके अभिभावक को भी उसकी जानकारी दी, हमने CMO को भी जानकारी दी। अब भी अगर कहीं इस प्रकार का कहीं या कोई टीचर या कोई बच्चा इस प्रकार से प्रभावित मिलता है तो जरूरत होती है तो हम स्कूल भी बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षा भी चलनी चाहिए क्योंकि सारे ही काम चल रहे हैं और केवल शिक्षा पे इस प्रकार का व्यवहार रहे कि छोटा सी बात हो तो तुरंत उसको बंद कर दो, मेरे ख्याल का अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चलता रहे लेकिन अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा तो तुरंत हम उसमें बंद करने में कोई देर लगाए। इसके लिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन 2-4 आदेश के माध्यम से जो किया गया था उसके बावजूद भी संक्रमण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोज यहाँ रायपुर में जो डेथ हो रही है वो भी चिंता के विषय बना हुआ है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021
शाम 6 बजे से, दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, महाराष्ट्र में अब 60,000 से अधिक केस मिले हैं, क्या कुछ अपडेट है अब और क्या आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से फिलहाल? करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है, 24 घंटे में 60,000 का आंकड़ा महाराष्ट्र में पार हुआ है। मरने वाले का जो आंकड़ा है वो 225 के पार पहुंचा है, तो हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां भी अब बेड नहीं बचे हुए हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां बेड फुल हो चुके हैं। कोविड सेंटरों की बात करें तो वहां पर मनपा द्वारा तमाम तैयारी की जा रही है, फिर से एक बार उन कोविड सेंटरों को खड़ा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है कि राहत पहुंचाया जाए और जिन्हें क्वारंटीन करना है उन्हें क्वारंटीन किया जाए। एक तरफ बीएमसी ने भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन तमाम लोगों पर नजर रख रही है जिन्हें होम क्वारंटीन के लिए किया गया है, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, उनकी तबीयत नहीं की खराब है, बावजूद उनके रिपोर्ट जो है कि वो पॉजिटिव आए हैं, उन्हें उनके घर में क्वारंटीन किया गया है। इलाके में लगातार पुलिस प्रशासन मनपा की तरफ से नकेल कसी जा रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों में अगर नजर डाला जाए तो 50,000 का आंकड़ा पार हुआ है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय है। करिश्मा, मुरारी सिंह, फिलहाल जिस तरीके से स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही है, लगातार जैसे इजाफा तो हो रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, लेकिन अब जो मृत्यु दर है वो 1.6% तक पहुंच गई है, जो बेहद ही खराब है, डराने वाले हैं ये आंकड़े। क्या लगता है कि लोगों को अब लोग इस तरफ जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आदेश भी दिए जा रहे हैं, जागरूक भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद ऐसे आंकड़े डराने वाले हैं, वो भी 60,000 के सामने आए महाराष्ट्र में? जी करिश्मा, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आंकड़े डरावने हैं, क्योंकि 125 लोगों की 24 घंटे में मौत, 60,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस कहीं ना कहीं उन तमाम इलाकों को भी अब संदेह के घेरे में कर दिया है जिन इलाकों में संक्रमण नहीं फैला है। अगर मुंबई से सटे ठाणे, पालघर, न्यू मुंबई, पनवेल की बात करें, जो आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे जिले हैं, उनमें भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और यही वजह है कि प्रतिदिन 2 से 4 हजार तक के जो है कि बढ़ोतरी हर इलाके में देखी जा रही है और हालात दिन प्रतिदिन यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं। जी मुरारी सिंह, अब फिलहाल अगर बात करें मजदूरों की, जो जिस तरीके से लगातार हालात को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का भी निर्णय ले लिया है और कहीं जगह पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, जो पिछली अगर स्थिति 2020 की देखे तो पलायन भी शुरू हो चुका था, जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे मजदूर, जो गरीब लोग, लेकिन अब फिलहाल जो दिल्ली में स्थिति है, जिस तरीके से वहां पर अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, उसको देखते के साथ ही वहां के लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं, क्या स्थिति ऐसे महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी 2020 में पलायन वहीं से शुरू हुआ था ज्यादातर। करिश्मा देखिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जब 2 दिन की नाइट कर्फ्यू की बात आई थी, उसके बाद से ही मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर और सीएसटी पर, ये तीनों स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है। अगर कल और आज की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और लोग गाँव जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से मनपा उन तमाम चीजों को, फुटपाथ पर लगने वाले धंधे हो या फिर कर सकते हैं भाजी के धंधे हो, फल के धंधे हो, छोटे मोटे जो गैरेज या मैकेनिक के लोग थे, ऐसे लोगों के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है और उनकी दुकानें बंद हो रही है और यही उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अगर संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो हम फंस जाएंगे और इसी के तहत अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। हालांकि करिश्मा, हमने 2-4 यात्रियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरपंच का चुनाव है, हम उसके लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फसल की कटाई है, गेहूं जो है कि तैयार हो चुका है, उसके लिए जा रहे हैं, जबकि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, ऐसे लोगों की माने तो उनका कहना है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए, क्योंकि अब पैदल चलकर हम अपने गांव नहीं जा पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
सरकारी स्कूलों विच 6वीं तो 12वीं जमात विच पढ़ रही सारिया विद्यार्थना नूं मुफ्त सैनेटरी पैड दिते जा रहे हैं। चार वरिया तो धियां दी सेहत का फिक्र कर दी पंजाब सरकार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं देश की जो स्थिति है बेहद ही खराब श्रेणी में जा रही है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा और ऐसे ही कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। बात अगर सरकार की करें तो सरकार भी लोगों से लगातार अपील भी कर रही है लेकिन इसी के चलते संकेत भी पूरी तरीके से दे दिया है लॉकडाउन को लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, क्या कुछ अपडेट है मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को लेकर? देखिए करिश्मा, अगर कोरोना की रफ्तार को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश में वही हाल है जो लगातार जो है प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे थे और इसी कदर में फिर एक बार अगर आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े आए वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे और अब जो है आंकड़े 4000 पार कर चुके हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में 4043 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर की बात करें तो 866 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मिले। भोपाल की बात करें तो 618 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसको लेकर अब सरकार जो है बेहद ही चिंतित है क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है ये आंकड़े 100-200 चालू हुए थे और आज 4000 मध्य प्रदेश में आंकड़े आ चुके हैं। तो लगातार उसी कदर आंकड़े बढ़ रहे हैं जिस कदर जनवरी के पहले आंकड़े सितंबर माह के पहले पहले आंकड़े बढ़ रहे थे। तो एक निश्चित तौर पर एक बार फिर कोरोना की लहर जो है दूसरी लहर है वो बेहद ही खतरनाक है और लगातार पड़ रही है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार तरह तरह के जो है बंदिशें और तरह तरह के सख्त कदम उठा रही है। इसी को देखते हुए अब जो शिवराज सरकार है उसने साफ निर्देश दिशा निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जितने भी शहरी क्षेत्र है सभी जगह अब संडे लॉकडाउन रहेगा। लेकिन गणेश, अगर फिलहाल अब बात करें पुलिस प्रशासन की तो उनकी तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब एक हाल ही में एक खबर सामने आ गई थी इंदौर से जहां ऑटो चालक ने मास्क नहीं लगाया था, दो पुलिसकर्मियों ने उसको बुरी तरह से पीटा था, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, पहली चीज तो मास्क को लेकर लगातार जो है पुलिस प्रशासन जागरूक कर रही है और लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ख्याल रख रहे हैं, उनके साथ चालानी कार्रवाई कर रही है और लगातार हालांकि कहीं कहीं झड़प की घटनाएं भी सामने आती है जहां पर मास्क को लेकर या फिर अन्य चीजों को लेकर पुलिस से झड़प होती है, नगर निगम से झड़प होती है और उनकी जो है एक तरह से गुंडागुर्दी भी सामने आती है। लेकिन अगर बात करें तो अभी पुलिस प्रशासन सख्त है चूंकि कोरोना महामारी है, इसके लिए ये किसी एक व्यक्ति को बीमारी इसका बीमारी का नुकसान नहीं होता, इससे पूरा देश आहित है, पूरे संसार में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें कठोर कदम उठाने होंगे और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त सख्त कदम उठाने को कहे हैं। इसी तर्ज पर जो है मास्क को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जो है कठोर कदम उठा रहा है। हालांकि इन वजहों से जब मास्क को लेकर या किसी अन्य वजह से जब पुलिस कठोर कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं झड़प जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, गाली गलौज की भी घटनाएं सामने आती है, जिसके साथ में ऐसे जो वीडियो हैं वो भी सामने आते हैं। निश्चित तौर पर हालांकि ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं, ऐसे कृत्य सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है और पुलिस पर एक सवालिया प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी है, तेजी से फैल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और कई लोग ऐसा है कि झड़प भी करते दिखाई देते हैं। जी करिश्मा, गणेश अगर बात पलायन को लेकर करें क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति है खराब है, तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद जिस जगह जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, हालांकि अगर मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, पलायन को लेकर क्या स्थिति है, क्या पलायन शुरू हो चुका है वहां पर मजदूर? कृष्णा, मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए मध्य प्रदेश में जो पलायन की अगर बात करें तो कहीं कहीं पर जो मजदूर हैं जो गांव से और दूर दराज से सटे हुए हैं वो लोग जरूर यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि, लेकिन अभी जो है ज्यादातर लोगों के यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फसलों की कटाई है तो वो अन्य कार्यों से भी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जिस कदर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बार फिर भ्रम पैदा हो गया है
कि कहीं लंबा लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार बार बार चेता रही है कि वह लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि शनिवार रविवार लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन अगर बात करें तो जो छिंदवाड़ा है, जो महाराष्ट्र सटा हुआ है, वहां पर पूरी तरह से 7 दिनों का आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो लॉकडाउन लगाया जाएगा वो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन जिस कदर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर वह अपने आप में चेता रहा है कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगाना पड़ सकता है, जिसको देखकर जो गरीब है, मजदूर है, जो दैनिक दिनचर्या वाले हैं और जो गाँव दूर दराज गाँव से संबंध रखते हैं, वो उन लोगों का जरूर एक बार फिर पलायन हालांकि चालू हो गया। लेकिन गणेश, क्या लगता है कि अगर पलायन तो शुरू हो चुका है, 2020 में जो स्थिति बेहद ही खराब थी, सड़कों पर एकदम लगातार मजदूरों का जो मजदूरों वहां से निकल रहे थे और कहीं ना कहीं वो भुखमरी भी देखने को मिली थी और एक दहशत का माहौल भी बन गया था लोगों में, क्या लगता है कि अब अगर पलायन शुरू हो चुका है, क्या एक बार फिर से सरकार को इसको लेकर इंतजाम नहीं करना चाहिए क्या, जिस क्योंकि लगातार पलायन तो शुरू हो चुका है, लोगों के पास खाने की भी जो दिक्कत है वो भी शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार को इस पर हालांकि निश्चित तौर पर कदम उठाने चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार लगातार जो है वैक्सीनेशन, अगर बात करें तो चूंकि भारत देश जो है सबसे पहला देश बन चुका है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है, उसी तर्ज पर जो है जगह जगह पर हर जिले में, हर राज्य में वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सभी उम्र दराज के लोगों को अब वैक्सीनेशन दी जा रही है, 45+ उम्र को जहां अभी वैक्सीन दी जा रही है, धीरे धीरे सभी वर्ग और सभी लोगों को वैक्सीनेशन का महापर्व का जो है फायदा मिलेगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जोर जो है वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी जो बीमारी है उसका अभी कोई लाइलाज बीमारी है, तो हमें जो है वैक्सीनेशन के साथ साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं, अगर हम परवाह नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर वही स्थिति बनती नजर आएगी जो पहले बननी थी। और यहाँ पर करिश्मा सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही आम जनता और नेताओं को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगातार जो है राजनीतिक रैलियां भी कई जगह चुनाव है वो भी इस चीज पर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। तो आम जनता के साथ साथ में राजनेताओं को भी समझना होगा कि अगर हम अभी ऐसी पार्टियां और ऐसी राजनीतिक रैलियां अगर नहीं रोकेंगे तो एक बार फिर भारत की स्थिति वैसी बन सकती है जैसी पहले पूर्व में थी। जी करिश्मा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुलाई 2021 तो आशीर्वाद स्कीम अधीन मिलन वाली राशि 15,000 तो वधा के 51,000 कर दी जाएगी। 4 वर्षों तो लोड़वंद तियां दा ध्यान रख रही पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, इसी मुद्दे पे हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं पटियाला से, अविनाश। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है पंजाब को लेकर, जिस तरीके से स्थिति खराब होती नजर आ रही है, तो तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगह पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, फिलहाल पंजाब में क्या स्थिति है? कहीं ना कहीं कोरोना के केस हैं, रोजाना ही बढ़ोतरी हो रही है। 325 केस पटियाला में आया और 6 मौतें भी हो गई है, एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि केस है जो 325 का जो आंकड़ा है बहुत ही गंभीर है और बहुत चिंता योग्य है, और 6 मौतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनकी लोग ज्यादातर उल्लंघना कर रहे हैं। चाहे धरने प्रदर्शन की बात करें तो वहां पर भी भीड़ देखने को मिलती है, बिना मास्क के लोग दिखाई देते हैं लीडर, तो कहीं ना कहीं लीडरों को भी सचेत रहना चाहिए और जो कोरोना महामारी चल रही है इसको चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसकी पालना करनी चाहिए। किस प्रकार से, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पटियाला में 325 केस आए हैं और 184 पटियाला शहर के ही हैं, तो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा जो है गंभीर चिंता योग बना हुआ है जिस प्रकार से जो केस आ रहे हैं पॉजिटिव।
तो अविनाश, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर अंदर 60,000 केस सामने आ चुके हैं, और लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है, आरोप लगाया है वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन जल्दी ही खत्म हो रही है, तभी वहां के मरीज जल्दी जल्दी लौट रहे हैं। तो लेकिन उसी की तरफ अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो इसी बात पर वो भड़क गए हैं, उन्होंने कहा था गलत फहमी मत डालिए। देखिए, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है वो भी जारी है, और दूसरी तरफ अगर बात करें कोरोना महामारी की तो उसका भी कहर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जो आंकड़े रोजाना ही मुख्यमंत्री के खुद के शाही शहर पटियाला के 325 केस आने से चिंता बनी हुई है, लोगों को बार बार प्रशासन अपील कर रहा है, अवेयर कर रहा है, लेकिन लोग अनसुना बरमान कर रहे हैं, जिसका खामियाजा रोजाना किस्तों में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अविनाश, अब फिलहाल अब क्या लगता है कि लोग अभी भी जागरूक होंगे? जिस तरीके से बताया जा रहा है पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन बात है दिन में जो लोग हैं वो फरमान को अनसुना करते हैं, रात में कोई कामकाज के लिए बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन दिन में लोग जो निकलते हैं भीड़ भाड़ देखने को मिलती है इलाकों में, जिसका खामियाजा रोजाना ही पॉजिटिव केसों का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। जरूरत है प्रशासन और सरकार को दिन में सख्ती करने की। तो अविनाश, अब दुकानदारों की बात करें, क्योंकि हालात जहाँ पर है ना, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहीं पर कोरोना देखने को मिलता है, क्या लोग लग रहा है कि वहाँ पर दुकानदार सहयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का? देखिए, दुकानदार पूरा सहयोग कर रहे हैं, दुकानदारों के द्वारा मास्क पहना जाता है और सैनिटाइजर रखा जाता है, लेकिन बात करें भीड़ भाड़ जो देखने को मिल रही है सड़कों पर बाजारों में, लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं। पुलिस को देखकर जरूर मास्क पहन लेते हैं, लेकिन उस जिस प्रकार से जो भीड़ है वो विदाउट मास्क सड़कों पर दिखती है, अगर पुलिस रोकती है तो पुलिस के साथ बहस भी होती है, जिसके चलते पटियाला पुलिस द्वारा चलान भी कईयों के काटे गए थे, लेकिन लोग गंभीर नहीं है, इस फरमान को अनसुना कर रहे हैं और मजाक में ले रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना का कहर दोबारा जारी हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर पे हमारे एक और संवाददाता हरियाणा के अम्बाला से जुड़ गए हैं, अंकुर कपूर। बताया जा रहा है हरियाणा में 24 घंटे के अंदर 2,000 से अधिक केस सामने आए हैं, फिलहाल क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, पंजाब महाराष्ट्र के बाद हरियाणा है, इसमें भी अब जो कहते हैं जो अम्बाला इंटर सरकार पानी पर जितनी भी जीटी रोड बेल्ट है, गुरुग्राम, इधर फरीदाबाद, तो यहाँ कोरोना के मामले धीरे धीरे करके बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो लॉकडाउन है वो भी लगता है कि स्थिति अब यहाँ पर पैदा हो सकी है। जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है, उन्होंने भी बातचीत में हमें बताया है कि प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सभी अस्पतालों को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पहले कोविड नियमों के तहत कंटेनमेंट जोन आदि बनाए गए थे वैसे ही बनाए जाएंगे। जो अनिल विज है उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा में कोरोना मृत्यु दर 1.07 है और अभी कंट्रोल में है। उन्होंने कहा है कि कोविड नियम के पालन को सख्ती से करवाया जाएगा, सभी SP सभी DC जो उपायुक्त हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी उपायुक्त और SP को निर्देश दे दिए गए हैं कि लोगों को पहले तो जागरूक किया जाए और कई संस्थानों को भी साथ जोड़ा जाए कि लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी प्रकार का कोई कोताही ना बरती जाए, मास्क लगे होने चाहिए और जो वैक्सीनेशन है उनके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए कि अधिक से अधिक लगाए, क्योंकि जब हमने बात करी कि पंजाब में भी कर्फ्यू लग गया है, हरियाणा के साथ सटा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि पंजाब द्वारा रात जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन जो लगाया गया है, उनकी स्थिति और हमारी स्थिति अभी अलग है, क्योंकि अभी कोई तुरंत लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, हालात अभी खराब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति तो हो सकती है, क्योंकि पंजाब के साथ में ही है हरियाणा। बिल्कुल काजल, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब हमारी बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से हुई कि पंजाब में जो रात को कर्फ्यू लगाया गया है, तो उन्होंने उस कर्फ्यू एंड लॉकडाउन लगाया गया, उन्होंने उसी बात पर कहा है कि पंजाब की स्थिति और हमारी स्थिति अलग है, अभी तुरंत कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मीटिंग लेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हरियाणा में लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमने जितने भी हॉस्पिटल हैं यहाँ पर जो SP हैं, DC उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो उसके बाद किस प्रकार के फैसला लिया जाएगा। ठीक है,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर से देश में पूरी तरीके से अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी लहर एकदम खतरनाक है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को वैक्सीन सेंटर से लौटना पड़ रहा है। अनिश्चित तौर से कोरोना बढ़ रहा है और हम पूरी चौकसाई है हमारी इसके ऊपर, और स्कूलों में अगर कहीं भी हमें थोड़े से भी सिम्टम कहीं मिलते हैं तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से पहले आप लोगों ने जानकारी दी थी कि बच्चों का जो था टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हमने तुरंत उन बच्चों को वापस भी किया, हमने स्कूल में नहीं आने दिया उनको, और उनके अभिभावक को भी उसकी जानकारी दी, हमने सीएमओ को भी जानकारी दी। अब भी अगर कहीं इस प्रकार का कहीं या कोई टीचर या कोई बच्चा इस प्रकार से प्रभावित मिलता है तो जरूरत होती है तो हम स्कूल भी बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षा भी चलनी चाहिए, क्योंकि सारे ही काम चल रहे हैं और केवल शिक्षा पर इस प्रकार का व्यवहार रहे कि छोटा सी बात हो तो तुरंत उसको बंद कर दो, मेरे ख्याल का अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चलता रहे, लेकिन अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है तो तुरंत हम उसमें बंद करने में कोई देर लगाएंगे। इसके लिए हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन दो चार आदेश के माध्यम से जो किया गया था, उसके बावजूद भी संक्रमण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोज यहाँ रायपुर में जो डेथ हो रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।